नमस्कार दोस्तों, आज जो हम सॉफ्टवेयर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है ऑटो इल्यूजन, जो एक 3D मॉडलिंग और एनिमेशन का सॉफ्टवेयर है और वेरी बहुत हाई क्वालिटी की, जिसमें फोटो रियलिस्टिक आप फोटो तैयार कर सकते हो और एनिमेशन तैयार कर सकते हो। मेरा नाम भारत बेदी और मैं ETV सेंटर एनएटीवल्टी आर में एज ए विजुअलाइजर काम करता हूँ और 1985 से मैं एनिमेशन और ग्राफिक्स वीडियो प्रोग्राम्स के लिए बना रहा हूँ। ऑटो विजन एक फ्री है और नेट से आपको फ्री मिल जाएगा और ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, 3D मॉडलिंग एंड रेंडरिंग स्टूडियो है पूरा। तो रेंडरिंग स्टूडियो, रेंडरिंग होती क्या है, तो ये एक प्रोसेस है जबकि 3D वायर फ्रेम को जो शेड्स और कलर से ये 3D इल्यूजन क्रिएट करता है। यानी कि 3D रेंडरिंग भी ऐसी है कि ये एक प्रोसेस है जिसमें 3D वायर फ्रेम मॉडल कन्वर्टेड इनटू 2D इमेजेस विद 3D फोटो रियलिस्टिक इफेक्ट्स। होती 2D है लेकिन इफेक्ट्स ऐसे आते हैं उसमें, रिफ्लेक्शन के, रिफ्रैक्शन के, अपने शेड्स के और कलर के, जो कि वायर फ्रेम आपको 3D इफेक्ट देगा। और नॉन फोटो रियलिस्टिक, नॉन फोटो रियलिस्टिक क्या है, आर्टिफिशियल लाइट होती है, जैसे जैसे गेम्स में आप देखते हो, गेम प्रोग्राम में देखते हो, और पेंटिंग हुई, इलस्ट्रेशन हुई, ग्राफिक्स हुआ, ये सारे नॉन फोटो रियलिस्टिक में आ जाते हैं, रेंडरिंग होने कंप्यूटर। तो ऑटो इल्यूजन ने प्रोग्राम ऑफ क्रिएटिंग हाई क्वालिटी स्टिल इमेजेस एंड एनिमेशंस, बड़ी हाई क्वालिटी की ये क्रिएट करता है। इस इनकी साइट है ये www.artofillusion.organization। इसमें आपको हर चीज़ मिलेगी, इनकी साइट्स मिलेंगी। इसके लिए जावा की ज़रूरत है, जब इंस्टॉल करोगे आप, जावा भी आपको इसी साइट से मिल जाएगी कि ये विंडो के लिए अलग है, लाइनक्स के लिए अलग है, मैकिंटोश के लिए अलग है। तो अलग अलग साइट्स पे आप अलग अलग जावा को डाउनलोड कर सकते हो। जैसे हम हर सॉफ्टवेयर को डबल क्लिक करके खोलते हैं, ऐसे ही इसको डबल क्लिक करोगे तो ऑटो इल्यूजन की विंडो खुल जाएगी। मैं पहले आपको ये बता देता हूँ कि विंडो लगती कैसे है ये। जैसे व्यूज़ हैं, ये व्यू क्या कितने हैं, चार किस्म के हैं, चार किस्म की विंडो है, जिसमें फ्रंट व्यू है, लेफ्ट व्यू है, टॉप व्यू है और पर्सपेक्टिव व्यू है। लेफ्ट में इसके आप देखोगे कि यहाँ पे टूल्स हैं और ऊपर मेन्यू बार है। फ्रंट व्यू में वाई है, जो ये है वर्टिकल है, एक्स हॉरिजेंटल है और जेड पर्सपेक्टिव में चला जाता है। जब आप विंडो खोलोगे तो आपको दो ऑब्जेक्ट्स दिखाई देंगी, जिसमें से एक कैमरा है और एक लाइट है। और कैमरा या लाइट दोनों में से एक ना हो तो आप ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकते। और ये देखिए, ये कैमरा है और इसके नीचे लाइट है, तो ये बिल्कुल सेंटर में होते हैं आपके। ये फ्रंट व्यू है और लेफ्ट में इसके टूल्स हैं और ऊपर मेन्यू बार है, और राइट में आपके ऑब्जेक्ट्स और नीचे ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज़। तो जैसे कैमरा है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर कैमरा और एक लाइट, ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारी अब, और दो ऑब्जेक्ट्स की ये प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें लाइट की जैसे इंटेंसिटी, कलर क्या है, कौन सी लाइट है,
वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। आप इनकी इंटेंसिटी यहाँ से कम और ज़्यादा कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, एंगल चेंज कर सकते हो, ऐसे ही कैमरे के लिए है। अब मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया जैसे पर्सपेक्टिव में, तो ये एक पर्सपेक्टिव बन गया, ब्रिक टाइप है जो बॉक्सा है, इसमें आपको फ्रंट में ये दिखाई देगा और लेफ्ट में ये जैसे स्क्वायर है, क्यूब टाइप दिखाई देगा, इसमें रेक्टेंगल दिखाई देगी टॉप में। और ये हम मेन्यू बार में जाएंगे जब, वहाँ से ये जो ग्रिड है, ग्रिड इसलिए चाहिए हमें कि हम ये देख सकें कि साइज़ ले सकें इसका प्रॉपर। इसके लिए सीन में जाओगे, सीन में खोलोगे तो ग्रिड, ग्रिड में आपको शो ग्रिड आएगी, और ये ग्रेड आप जितने भी चाहो उस अपने हिसाब से उतने आप कॉलम बना सकते हो। या फिर ऑब्जेक्ट है, फिर प्रॉपर्टी है, देखो प्रॉपर्टी के नीचे जो सारी बॉक्स की साइज़ का, एंगल का, हर आपको यहाँ पे मिलेगा, टेक्सचर भी दे सकते हो इसमें, वो हम आगे करेंगे। अब ये डिस्प्ले मोड है, सीन से ही हमने पिछली बार लिया था, और यहाँ से भी हम सीन में, मेन्यू बार में सीन है, सीन में डिस्प्ले मोड हैं ये छह किस्म के, कि एक ऑब्जेक्ट को आप कितने ढंग से देख सकते हो। ये एक वायर फ्रेम है, वायर फ्रेम में आपकी ऑब्जेक्ट की सारी वायर फ्रेम दिखेगा। तो जो मैंने पहले बताया था कि जो वायर को ही ये शेड और कलर देके रेंडरिंग में आप एक ऑब्जेक्ट को पूरी तरह देख सकते हो, ये फिर शेडेड ले सकते हो आप, शेडेड आगे, ये शेडेड आ गया, इसमें आपको टोन्स दिखाई देंगे, ब्लैक और ग्रे टोन्स दिखाई देंगे, ग्रेडिएशन दिखाई देगी। इसमें अब स्मूथ है, अब जो बिल्कुल स्मूथ दिखाई देगा, मिक्स दिखाई देगा आपको। नीचे टेक्सचर्ड है, टेक्सचर्ड में आपको टेक्सचर नज़र आएगा ऑब्जेक्ट का जो आपने अप्लाई किया हुआ है। और ये ट्रांसपेरेंट है, जो आप बैक पे देखना चाहो किसी ऑब्जेक्ट को, तो आपको ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है। अब लास्ट में है रेंडर्ड, जैसे हमने बोला था रेंडर्ड, रेंडर्ड रेंडर्ड में क्या है कि आपको ये सेंटर में देखो लाइट मैंने दिखाई थी कि जब बाय डिफ़ॉल्ट ये सेंटर में लाइट होती है, तो इसकी लाइट आप चारों तरफ देख सकते हो कि जहाँ लाइट पड़ी है। अब इसमें सबसे ज़्यादा देखने की ज़रूरत है प्रेफरेंसेस इसके, कि आप किस मोड में काम करना चाहते हो। और शुरुआत में आपको जैसे मेन्यू बार है उसमें जाओगे तो एडिट खोलोगे, एडिट में आपको प्रेफरेंसेस मिलेंगे। इसमें जब नीचे देखिए, जैसे मैंने ये ब्लू किया हुआ, तीनों में ये रेंडरिंग है, ये डिफ़ॉल्ट रेंडरर है पहले, और उसके बाद ऑब्जेक्ट प्रीव्यू रेंडरर है, प्रीव्यू में आपको ये ऑब्जेक्ट की रेंडरिंग दिखाता है और उसमें काम करता है। ये टेक्सचर प्रीव्यू रेंडरर है तीसरा, जो कि टेक्सचर में जो प्रीव्यू है वो उसमें ये रेंडर करता है। अब इसमें दो तरह के ये दिए हुए हैं ऑप्शन, रे ट्रेसर और रास्टर। अब आपने कौन सा लेना है, आपने हर बार रे ट्रेसर लेना है, रास्टर नहीं लेना, क्यों? रास्टर एक इसमें वो आपकी फ़ोटो फट जाएगी, और इसमें फ़ोटोग्राफ आपका बिल्कुल रियल लगेगा और काफ़ी इनलार्ज कर सकते हो उसको आप। अब रे ट्रेसर है क्या, मैं आपको एक थोड़ा सा बता दूं कि ये रे ट्रेसर है जो इज ए रिलेटिवली सिंपल वे है रेंडरिंग करने का 3D ऑब्जेक्ट्स को। ये एक टेक्निक है जिसमें कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ए वेरी हाई डिग्री ऑफ विजुअल रियलिज्म, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। ये मैंने आपको बताया रे ट्रेसर में आपको एक मैं फोटोग्राफ दिखा रहा हूँ, जो कि ये इसकी बैकग्राउंड ग्लोसी है,
जब जहाँ से ये आपको ये इस लाइट की ये जो वायर है ये उसका रिफ्लेक्शन उसमें पड़ रहा है, और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन इसमें पड़ रहे हैं, ये रे ट्रेस इसको रेंडरिंग में दिखाती है। ये तो वो रे ट्रेस सर, हमने इसी को चूज़ करना है ऑप्शन को। तो रास्टर है क्या, मैं बता दूं, रास्टर में आप जब आप इनलार्ज करते हो किसी फोटोग्राफ को, जैसे कि JPG में आप सेव करोगे, जाके BMP में करोगे, जिफ में करोगे, अगर आप उसको इनलार्ज करते हो तो एक छोटे छोटे ब्लॉक आपको दिखाई देंगे, क्योंकि ये फोटोग्राफ पिक्सल से बनते हैं, छोटे छोटे और कलर्ड आपको ब्लॉक्स दिखाई देते हैं, क्योंकि ये रास्टर ग्राफिक इमेजेस ए डॉट मैट्रिक्स डाटा स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटिंग ए जनरली रेक्टेंगुलर ग्रिड ऑफ पिक्सल्स और पॉइंट्स ऑफ कलर। ये एक रास्टर इमेज है जो कि एक पेंटिंग है, इसका फोटोग्राफ मैंने BMP जे जी JPG और जिफ में आप लोगे तो अगर इनलार्ज करते हो तो इसके ग्रेन्स फटेंगे, ये देखिए इसके ग्रेन्स फट जाते हैं और आपको एक पिक्सल नज़र आएंगे छोटे छोटे, और फोटोग्राफ क्लियर नहीं दिखाई देगा। जैसे कि इसमें आप रेड की देखो, ये कलर्ड पिक्सल बन गए, इनकी आप अलग अलग वैल्यू काउंट कर सकते हो, ये येलो है, ग्रीन की, ब्लू, रेड, ग्रीन, ये तीनों की आप वैल्यू देख सकते हो। तो हमने क्या, ये तीनों हमने ऊपर वाले इसलिए रास्टर लेने हैं हमने, ताकि हमारा फोटोग्राफ ना फटे। ऑब्जेक्ट प्रीव्यू रेंडरर रे ट्रेसर लेना है हमने, इसलिए ये जो तीन ऊपर हैं, जैसे डिफॉल्ट रेंडरर में जितनी भी रेंडरिंग है हमारी वो हमने रे ट्रेसर ही लेनी है। तो अब इनके नीचे थीम है, थीम थीम क्या है, यहाँ लिखा हुआ है डिफॉल्ट, ये ब्लू किया हुआ है मैंने सारे दिखाने के लिए, डिफॉल्ट है। जैसे डिफॉल्ट को है क्या, ये थीम है, थीम है क्या, थीम है डिफाइन द ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ विंडोज इन AOI, यानी कि ऑटो इल्यूजन। जब आप विंडो को देखते हो उसकी अपीयरेंस क्या है, कहाँ पे आपके टूल्स हैं, कहाँ पे आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैंने पहले बताया था, ये थीम ही बताता है। अब आगे हम थीम के नीचे है कलर स्कीम, कलर स्कीम कोई भी आप चूज़ कर सकते हो, ग्रे, ब्लैक, वाइट, ये हमने वाइट बैकग्राउंड अभी चूज़ की हुई है, बाई डिफ़ॉल्ट है ये। ये इसके नीचे है मूव डिफॉल्ट एडिटिंग टूल, ये हमने मूव लिया है। ये क्या है कि जब आप विंडो पहली बार खोलते हो, कौन सा ये जो टूल है वो कौन सा दिखाई देगा, इसको आप चेंज कर सकते हो। इसको क्या, ये कि इज़ द टूल दैट शुड बी सिलेक्टेड इन ए विंडो वेन इट फर्स्ट अपीयर्स। इसके बाद है इंटरेक्टिव सरफेस एरर, उसके नीचे ब्लू लाइन में दिया हुआ है मैंने ये वाला, ये है 0.05, ये है एरर। जितना भी ये इनकी वैल्यू कम होगी तो जो आपका सरफेस है ऑब्जेक्ट का ये क्लियर दिखाई देगा, नहीं तो वो कटा कटा दिखाई देगा आपको। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ये मैंने एक सफियर लिया है, इंट्रैक्टिव सरफेस एरर का देखो ये 0.1 लिया, ये काफ़ी ज़्यादा लिया, और सफियर में आपको देखो ये नज़र आएंगे कॉन्स। इसके बाद है 0.01, ये काफ़ी साफ दिखाई दे रहा है, और 0.0001 सबसे कम है, तो ये आपको पूरा साफ दिखाई देगा, यानी कि लोअर द वैल्यू द मोर एक्यूरेट द सरफेस डिस्प्लेड, उतनी ही सरफेस ज़्यादा डिस्प्ले अच्छी होगी, इसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है।
तो इसके बाद आपका आता है मैक्सिमम लेवल्स ऑफ अंडो, ये 6 हैं। 6 को आप ज़्यादा भी कर सकते हो, 10 कर सकते हो, 20 कर सकते हो, लेकिन इसमें क्या है कि आपका उतनी ही मेमोरी ही चाहिए इसको, यानी कि मैक्सिमम लेवल ऑफ अंडू है ग्रेटर दिस नंबर इज द मोर स्टेप्स कैन बी अनडन बट ग्रेटर द मेमोरी रिक्वायरमेंट। उसके लिए फिर रिक्वायरमेंट ज़्यादा चाहिए मेमोरी की। तो उसके बाद आता है हमारा नीचे ब्लू में दिखाया मैंने, उससे ऊपर है एक रिवर्स डायरेक्शन ऑफ स्क्रोल व्हील जूमिंग। आप जब स्क्रोल करोगे इनको आप रिवर्स भी कर सकते हो, लेकिन इसकी ज़्यादा जरूरत तो है नहीं किसी, तो आप अगर करना चाहो तो कर सकते हो। उसके नीचे है यूज़ ओपन जी एल फॉर इंटरेक्टिव रेंडरिंग। रेंडरिंग के लिए एक अपनी इसकी ओपन जी एल की अपनी ये एक टूल है जावा का, जावा से ये उठाता है रेंडरिंग के लिए, वो काफ़ी स्पीड इसकी बढ़ जाती है और क्वालिटी बढ़ जाती है। ये जोगल लाइब्रेरी से ये अपनी रेंडरिंग की लैंग्वेज पढ़ता है, यानी कि ओपन जी एल है। ये पावर्ड 2D एंड 3D रेंडरिंग टूल, ये उसकी पावर को बढ़ा देता है। इफ़ देयर इज प्रॉब्लम, अगर इसको प्रॉब्लम आ रही हो कभी भी, तो आप इसको स्विच ऑफ कर सकते हो, क्योंकि ये फिर आप सॉफ्टवेयर अपने आप ही रेंडरिंग शुरू कर देगा। नहीं तो ये ओपन जी एल से वहाँ से लाइब्रेरी से जोगल की लैंग्वेज उठा के ये ज़्यादा पावरफुल वे से उसको रेंडर कर सकता है। आज जो हमने पीछे पढ़ाया आज, तो उसमें हमने बेसिक बताए, प्रेफरेंसेस के बताए कि कौन से मोड में आपने कौन से रखने हैं। तो हम आगे आपको ये सॉफ्टवेयर शुरू करेंगे, उसके लिए पहले मॉडलिंग के लिए जो टूल्स यूज़ होते हैं उसके बारे में हम एक एक करके देखेंगे। थैंक यू।